सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। पिछले कई दिनों से विवादों में घिरे झज्जर के गांव गिरावड़ के मेडिकल छात्रों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए गांधीगिरी का सहारा लिया है। पिछले 24 दिनों से धरने और हड़ताल पर बैठे इन छात्रों ने झज्जर की सड़कों के मुख्य चौराहों पर राहगीरों के न सिर्फ जूते साफ किए बल्कि बूट पॉलिश भी की। बूट पॉलिश के दौरान छात्रों ने अपना मेहनताना केवल 5 रुपए रखा। इस दौरान छात्रों ने शहर के कई स्थानों पर बूट पॉलिश करने के लिए फेरी भी लगाई है। हम सब वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज के MBBS में थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हमारी ये जो मांग है, हमारे इस धरने स्थल पर हमारे बैठने का कारण यह है कि हमारी सरकार ने कोई मांग नहीं सुनी जा रही है। हमारे कॉलेज में ना कोई डॉक्टर है, ना कोई फैकल्टी है, ना कोई पेशेंट्स है, और जो हमारी डिग्री है हमारा भविष्य भी खतरे में है। हमने इसकी शुरुआत अपने कॉलेज मैनेजमेंट से लेकर न्याय के मंदिर हर जगह पर हर दफ्तर में अब हम अपनी मांग प्रस्तुत कर चुके हैं। शुरुआत में हमने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, जब उन्होंने डिनाई किया तो फिर हमने उसके बाद सरकारी में आवास या दफ्तर में DC जज्जर सोनल गोयल मैम जो समय मौजूद थी उनसे बात की थी। उसके बाद हमने CM विंडो पे अपनी शिकायतें लगाई। उसके बाद हमने इस विषय पर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वाइस चांसलर OP काल्ला जी से मिले। उसके बाद हमने DMER पंचकुला ACS और हाई कोर्ट में भी हमारा केस अभी लंबित है। बता दें कि गांव गिरावड़ स्थित वर्ल्ड कॉलेज के करीब 103 छात्र प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप लगाने के साथ साथ कॉलेज में सुविधाएं मुहैया ना कराए जाने का भी आरोप कॉलेज प्रबंधन पर लगाया है। हालांकि आंदोलन के दौरान मेडिकल छात्र और छात्राएं पूरा दिन झज्जर में धरना दिए जाने के बाद देर शाम कॉलेज में चले जाते हैं, लेकिन 2-3 रोज पहले जब देर शाम ये कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर दिया और किसी भी छात्र को कॉलेज में घुसने नहीं दिया गया। बाद में इन छात्रों को पूरी रात कॉलेज के बाहर ही सड़क पर बितानी पड़ी थी। उसके बाद से ही अब इन छात्रों ने गांधीगिरी का सहारा ले लिया है। झज्जर से कुमार संजीत की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।